क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो आइकॉनिक अवार्ड है कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है आज और क्या फीलिंग है? आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर मोस्ट स्टाइलिश टीवी एक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इट्स एन ऑनर यार आपने नॉमिनेट किया मुझे. It's a big thing for me because I don't think anybody has nominated me for any such award. बहुत सारे youth आपको follow करते हैं तो किस तरह के style statement को आप follow करना पसंद करते हैं या फिर रोजमर्रा की life में आप जीते हैं उस style? I mean, people who know me, people who have seen me, they know that I have a very casual approach. I need to feel comfortable with what I'm wearing. And I think that's the main thing. And I also try to be a little innovative. कुछ नया कुछ ओरिजिनल करना चाहता हूँ. That's it. And if it's your thing, if it's your original idea, then I think it's better than anything else. 2020 ने मतलब सबसे बड़ा पैंडेमिक था, सब लोग घर पे थे. आपने 2020 से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा. It opened my eyes. Honestly, सबके साथ ऐसा ही हुआ है. But I got to do a lot of meditation. मैंने बहुत introspect किया. तो बिकॉज ऑफ दैट आई गेस आई रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आई थिंक हाउ आई लिव द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी नॉट एग्जैक्टली द सेम इट वुड हैव बीन बिफोर. पैंडेमिक के टाइम में आपका शो भी काफी फिर से हिट हुआ स्टार प्लस में महाभारत, तो इस तरह का पॉपुलैरिटी मिलना शो को, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी नेगेटिव चल रही थी पूरे देश भर में और आपके शो ने जो आपका किरदार है उसने काफी पॉजिटिव लोग देखते थे, टीआरपी में भी हाई था, क्या कहना चाहिए? आई थिंक हैट्स ऑफ टू स्टार प्लस जो उन्होंने ये थॉट लाया कि महाभारत को लॉकडाउन में वापस टेलीकास्ट करना चाहिए था. इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया. व्हाई? बिकॉज एवरीवन वाज एट होम, उनको पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी. एंड आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी दैट इट वॉज री टेलीकास्ट एंड इट डिड सो वेल, इवन बेटर देन बिफोर लाइक द इनिशियल टाइम व्हेन इट वाज ऑन एयर. 29 आज तक ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, पहली बार ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने को मिला. ऑडियंस के लिए भी एक सरप्राइज है. होपफुली लोगों को पसंद आएगा तो हम उस कैरेक्टर को वापस से आपके सामने लेके आ पाएंगे. एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज़ कि 2020 ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि इट हैज़ बिन अ वेरी डिफरेंट हेयर फॉर एवरीबडी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है 2020 में और इट्स गेटिंग ओवर लाइक दिस, इट फील्स नाइस. ओके, कितना मुश्किल भरा था आपके लिए कोविड पैंडेमिक, किस तरह से आप लोगों ने शूट भी किया? शूट तो बहुत अलग तरीके से हुआ है. हमने शुरुआत जब की कसौटी की तब हमने कुछ अलग तरीके से शुरुआत की, क्योंकि जब मैं शूट करी थी हावड़ा ब्रिज पे तो मैंने कान में एक वो वायरलेस हेडफोन पहना था और कहीं दूर से मेरे डायरेक्टर मुझे डायरेक्शन दे रहे थे और कोरोना के टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग पे शूट कर रहे थे जहाँ पे सब लोग लिटरली स्टूडियो में बैठे और मैं घर पे हूँ और मैं शूट करके उनको सब फुटेज दे रही थी. सो इट वॉज़ वेरी डिफरेंट. और कसौटी में लिटरली हमने सब कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और नो एक्सपीरियंस कर लिया. आउटफिट के बारे में जानना चाहिए, काफी बहुत ही सुंदर है ब्लैक. You like it? I love black, इसलिए मैंने black ही choose किया. Okay. Song तो काफी धमाल मचा दिया आपका. आपको पसंद आया? अरे पसंद आया. हर्षद सर के साथ आपने काम किया जी, काफी अनोखा सॉन्ग था. कुछ बताना चाहिए कब शूट किया आपने ये? हमने शूट किया था शायद अक्टूबर या नवंबर में, मुझे याद नहीं. फैंस को पूछना, उनको उनके पास सारे डिटेल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन सारे डेट्स टाइमिंग सब होते हैं. काफी मिलियंस ऑफ व्यूज ज्यादा गए जी. एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज कि बिना प्रमोशन किए वी हैव टच्ड दैट माइलस्टोन, सो इट्स रियली नाइस. इट वाज गुड, इट वाज वेरी चिल्ड. हर्षद इज लाइक अ बडी, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम शूट करते, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे शूट के टाइम पे. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? नहीं बता रही. थोड़ा सा बता रही. थोड़ा सा आई थिंक ऑलरेडी रिवील हो चुका है अंदर, बट जब होगा कुछ तो मैं खुद ही बता दूंगी. मेरे ख्याल से बेस्ट एक्टर में नॉमिनेशन है मेरा और एक अच्छी बात है कि आपका जो भी आप जो काम करते हैं उसमें अगर आप नॉमिनेट होते हैं तो आई गेस लोगों का प्यार है, ज्यूरी का प्यार है, या जो भी आप चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर थोड़ी सी भी उसके लिए अप्रिसिएशन आपकी होती है
तो चाहे अवार्ड हो या ना हो एक इट्स अ गुड फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट यू डू एंड जो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर अप्रिसिएशन मिले तो क्यों नहीं किसको बुरा लगता है कोविड पैंडेमिक में एक्चुअली बहुत कुछ सीखा पेशेंस सीखी घर के बर्तन धोने सीखे बहुत सारे घर के काम सीखे मुझे कुछ चोट लग गई थी तो मैं कुछ आराम भी कर रहा था तो वो भी सब देखा तो आई गेस बहुत एक लंबी जर्नी रही मेरे लिए हम सब के लिए एक मुश्किल टाइम भी था हम काम नहीं कर रहे थे एक एक नई हैबिट थी जो कभी हमने ऐसा लाइफस्टाइल कभी देखा ही नहीं था उस वो हमने देखा है सो एंड लकीली अब हम थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं वैक्सीन आ रही है आई जस्ट वांट टू से कि जिन लोगों ने भी हेल्प की है स्पेशली ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स उन्होंने बहुत मेहनत करी है एंड उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो हम आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं सो दैट्स इट आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट इट्स गेटिंग ओवर नाउ हाँ मेरी चोट अभी बेटर है मेरे हाथ पे चोट लगी थी इट्स क्वाइट बेटर और काफी आजकल आप सॉन्ग कर रहे हैं जी 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 सेंसेशनल बनते जा रहे हैं आप टेलीविजन से आप सेंसेशनल होते जा रहे हैं आई डोंट नो अबाउट सेंसेशनल कैसे होते जा रहे हैं मतलब काफी आपके फैंस पसंद कर रहे हैं आपको वो चाहते हैं आप फिल्म में भी आए फिल्म में भी हमारी फिल्म आई मैंने फिल्म करी थी हॉटस्टार पे आई थी रिलीज हुई थी वो मार्च में बट ड्यू टू पेंडेमिक वो स्क्रीन पे रिलीज़ नहीं हो पाई ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी क्या है मतलब यार हम तो काम करते हैं अपना कुछ काम अच्छा लगता है ऑडियंस को हाँ सॉन्ग काफ़ी हिट हुए उसके लिए थैंक यू सो मच सब ऑडियंस ने फैंस ने आप सब ने बहुत प्यार दिया तो अच्छा चल रहे हैं सॉन्ग और भी कुछ नए सॉन्ग्स आने वाले हैं और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं 2021 में सो यस वेटिंग फॉर दैट किसके साथ अरे कुछ सरप्राइज भी रहने दो 2021 के लिए सब आज ही बता दें नए साल के लिए सबको सबसे पहले मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सबका साल बहुत अच्छा जाए जो पिछले सात साल गलतियां करी थी जिसकी वजह से कोरोना आया वो मत करना एंड आई होप सबका साल ये वाला बहुत अच्छा जाएगा और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो अपनी फैमिली का ख्याल रखो एंड विश मी लक मेरा नॉमिनेशन है देखता हूँ क्या होता है थैंक यू कहना चाहूँगी और अच्छी फीलिंग है हालांकि ये जो वॉज है 2019 के हिसाब से है थोड़ा सा फनी और वियर्ड भी लग रहा है बिकॉज आई वन बेस्ट खलनायिका अवार्ड तो वो पिछले शो में था जिसको ऑलमोस्ट एक साल हो गया है बट हाँ कोविड ने कोरोना ने चीज़ों को बड़ा डिले किया है तो अब जाके जब अवार्ड शो हुआ है तो अब जाके वो एक अवार्ड मिला है बट आई थिंक इट्स अ हैप्पी फीलिंग क्योंकि बहुत सारे फैंस से मिलकर वोट भी किए हैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ ऑल द फैंस हु वोटेड फॉर मी आपके लिए अवार्ड मिलना कितना इम्पोर्टेंट है या फैंस का प्यार फैंस का प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि फैंस का प्यार जब इतना होता है तो अवार्ड्स एक्चुअली वो मिल ही जाते हैं और वो आपकी काबिलियत पर भी मिलते हैं बट ये जो अवार्ड शो था फैंस से वोट किया है तो आई थिंक इट्स स्पेशल कोविड पैंडेमिक काफ़ी परेशानी का समय रहा लोगों के लिए आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपके लिए परेशानियाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी अलर्ट थी पैंडेमिक के टाइम पे मतलब ऐसा होता है कि कभी आप अगर अकेले रह रहे हैं 2 महीने 3 महीने तो वो चीज़ शायद आपको हावी कर सकती है आप थोड़े से लो फील करने लग सकते हो बट आई वाज कॉन्स्टेंटली यू नो रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट यार बीच में ऐसे दिन आते हैं थोड़े लो डेज बट यू हैव टू कीप अप विथ इट एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग तो मैंने हमेशा ये किया है आई वुड ऑलवेज इंडल्ज माई सेल्फ इन थिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है करनी एंड यार बाकी तो हम सबको पता है कि लॉकडाउन और कोविड हमें कितना कुछ सिखा गया है थैंक यू समय ज़्यादा नहीं लगा है मैं शूट से आई हूँ तो नॉर्मली जैसे लड़कियों को लगता है आधा पौना घंटा एक घंटा उतना ही लेकर आई हूँ मैं मतलब यार उतना तो बहुत बेसिक है अगर मुझे मेकअप करना है हेयर बनाने हैं वैसे तो थोड़ा सा उतना टाइम तो लग ही जाएगा बट यहाँ पर आ जाओ मैं दिखाने थोड़ा
रैम वॉक नहीं, मैं यहाँ पर आ रही हूँ, यहाँ पे हम रैम वॉक नहीं कर रहे मैम. काफी आपका शो है, बहुत ही सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर काफी बात होती है आपके किरदार के बारे में, बात होती है. जो अगर कोई बोल भी डालता है कुछ, अगर क्रिटिसाइज करे तो उसकी ट्रोलिंग हो जाती है. फैन लोग थैंक यू कहना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को और फैंस को, बिकॉज उन्होंने बहुत प्यार दिया है हमारे शो को और अभी भी दे रहे हैं और इतना सपोर्ट दे रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग जब आप मेहनत करते हैं और आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है. जब आपको ये शो मिला था तो शायद कोविड नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. हम सब काफ़ी पॉजिटिव थे और हमें लगा कि ये तो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि कोविड से पहले शो लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज लॉकडाउन आ गया और हम सबको पता नहीं था कि कितने महीने या कितने दिन चलेगा. सो आई थिंक इट वॉज़ अ वाइज डिसीजन जो पूरी टीम ने और सब ने मिलकर जो लिया गया था कि लॉकडाउन के बाद शो को प्रॉपरली अच्छे से लॉन्च करेंगे. एंड आई थिंक आज वाज़ द फर्स्ट शो जो कोविड के बाद नया लॉन्च हुआ था. इतना प्यार आपको मिल रहा है शो के लिए, क्या कहना चाहिए, मतलब आपके फैंस इतने प्यार कर रहे हैं शो को, टीआरपी भी सोशल मीडिया में काफी हाई है आज. थैंक यू कहना चाहूंगी एंड एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अब सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट, क्योंकि सिर्फ अकेले एक्टर्स नहीं होते हैं, पूरी टीम जुड़ी होती है जो इस अप्रिसिएशन की हकदार होती है. इसमें ना एक्साइटमेंट होने वाली कोई बात है ही नहीं. इतनी मज़ेदार बात है कि एक ऐसा कैरेक्टर आपको करने के लिए मिला जो आप हमेशा से ढूंढ रहे होते. हर कैरेक्टर, हर एक्टर ये चाहता है कि उसको अपनी एक करियर के अंदर एक ऐसा एक कैरेक्टर मिले जो उसको चैलेंज करे, जो लोगों को पसंद आए, जिससे वो ये बोल पाए कि यार हाँ ये मैं कर सकता हूँ. मेरा ये ड्रीम था एक ऐसा कैरेक्टर करना जिसके लिए मैंने सालों साल अपने आप को भी ट्रेन किया. वेरी हैप्पी. बालाजी इज़ बैकिंग इट अप, एकता मैम इज़ बैकिंग इट अप. वंडरफुल चैनल, वंडरफुल स्टोरी, वंडरफुल को एक्टर्स. रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटरटेन यू. मैनेज प्रोडक्शन कर रहा है, मैं तो काम कर रहा हूँ. Okay. और ये दंगल में है तो काफी की जो है, देखता हूँ गाँव वालों को, पूछता हूँ कैसा लगा आपको. मैं क्या करूँगा एक्साइटमेंट होकर स्टूडियो में. मैं जाके जब लोगों को मिलूंगा तब पता चलेगा ना कि कितने एक्साइटेड है. थैंक यू. काफ़ी एक्साइटमेंट है बिकॉज दिस ईयर हैज़ श्योरली बीन अ टफ वन, बट आई गेस नाउ दैट इट्स एंडिंग ऑन अ गुड नोट, सो आई वुड से कि अन भला तो सब भला. एंड आई रिमेंबर कि इन जैन आई वॉन एन अवार्ड एंड नाउ दैट द ईयर इज एंडिंग इन डिसम्बर आई एम विनिंग अनदर वन, सो आई गेस दैट्स ग्रेट थिंग. जी जी, आई गेस आई हैव ऑलवेज बीन वेरी थैंकफुल कि व्हाटएवर आई डू, बी इट माय शोज और बी इट माय म्यूजिक एल्बम्स और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, दे हैव ऑलवेज शावर्ड इमेंस लव ऑन मी एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट दे हैव बीन शावरिंग ऑन ऑल माय म्यूजिक एल्बम्स आल्सो स्पेशली दिस ईयर. समय तो लगा यार थोड़ा सा, देखो लड़कियां हैं तो रेडी होने में टाइम तो लगता ही है. बट यस आई एम वेयरिंग दिस गाउन बिकॉज इट्स विंटर, तो विंटर से रिलेटेड एक गाउन है एंड आई एम वेयरिंग माया कल्चर एंड माय ज्वेलरी इज बाय हाउस ऑफ डोरो. जी बिल्कुल, कल रिलीज हो रहा है अखियां तड़पेंगी विद मोहित. And I guess all the Patiala Babes fans will know, all the Minika Mickey fans will know, we're coming back together after the show. And it's going to release on Zee Music tomorrow, so I hope you guys like it. Any upcoming, apart from this television, are you doing or web series?
This year I'm not taking up any long-term projects, as I have mentioned in my previous interviews, because I have my 12 boats, and I know the amount of pressure you have when you're tackling boats, the things together. We all know how time-consuming daily soaps are, and I have experienced it when I was in 10th ke boats and Patiala Waves together. So once my boats are over, then I would be able to take up long-term projects. Till then, I'm going to take up these short projects only, as I've been doing till now in this year. And if there's anything, I'll let you guys know. I'll keep you guys updated. Very, very happy new year to everyone, and celebrate it safely. अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए प्रिकॉशंस को साथ में ध्यान में रखते हुए. And let's hope that the new year brings new hopes, new aspirations, and makes Corona go away. All right, thank you. Congratulations. Award भी दिखा दीजिए पहला international icon. अच्छा. Okay. So we have got this award, most versatile actor and most versatile actress. And I think well deserved. अच्छा आपने आप ही कितना एक्साइटमेंट होता है जिस तरह से अवार्ड मिलता है, प्यार मिलता है दर्शकों से, काफी प्यार मिलता है अवार्ड मिलना. आई थिंक बहुत अच्छा लगता है एक एक्टर के लिए. जो हम काम करते हैं, जो हमारा पैशन है एक्टिंग, उसमें पैसे वैसे मैटर नहीं करते, तालियां मैटर करते हैं. तो ये अवार्ड एक तरह की अप्लॉज है, एक तारीफ है, एक हमारे काम की सराहना है. तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह अप्रिसिएशन मिलती है. व्हाट डू यू थिंक? या डेफ, बट पैसे भी मैटर करते हैं. और लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर दिस गर्ल. हां, लेकिन ऑफ कोर्स तालियां, क्योंकि हम तो अगर चूज करना पड़े तो तालियां या पैसे, व्हाट वुड यू चूज? दोनों चाहिए मुझे. नहीं, अगर एक चुनना पड़े तो फिर पैसे. मेरे लिए तालियां. ठीक है, इसके लिए तालियां बजाओ, ठीक है, चलेगा मुझे. तो हाँ, तो हम छोटे शहरों से आए होते हैं, हमें एक रिकॉग्निशन चाहिए होती है कि अच्छा तुम यहाँ आए हो, तुम जो मेहनत कर रहे हो, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो एक मोटिवेशन चाहिए होता है. तो आई थिंक ये अवार्ड शोज ही होते हैं जो हमें वो मोटिवेशन देते हैं. अदरवाइज ऑफकोर्स हमारे फैंस हमें बताते रहते हैं एवरी डे कि अच्छा कितना प्यार करें, लेकिन ऑफकोर्स ये चाहिए होता है कि ओके एक पुश. मुझे लगता है ये जो अवार्ड होते हैं इनकी जूरी अनबायस होती है. हाँ. So I think ये बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलते हैं. Yeah, definitely. Of course, बहुत मायने रखता है. आपका नया सॉन्ग आया था, वो भी काफी लोगों को पसंद आया है. आपने जयपुर में शूट किया है, राजस्थान में. आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह का लव मिल रहा है आपके फ्रेंड्स या निशांत सर ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया? निशान से तो बहुत तारीफें की थी वीडियो देखते ही, बोले तुम कितनी प्यारी लग रही हो. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार मिला क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद म्यूज़िक वीडियो किया था, तो मुझे था कि पता नहीं कैसा जाएगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट येस, आई थिंक मेरा करने वाला डिसीजन सही निकला है, लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं. आप दोनों कब दिखेंगे ऐसे सॉन्ग में? देखो, कई लोगों की कोशिशें जारी हैं. हाँ, जब सही वक्त आएगा. बातें चल रही हैं, बातें चल खूब सारी. हाँ, भी देखते हैं. आप लोग दुआ करिए. सर थोड़े बिजी रहते हैं ना, सर डेट नहीं दे रहे. मैंने तो बोला है कि ठीक है कर लेते हैं. मैं तो बोल रहा हूँ जब चलना चलो, डेट पे मानती नहीं है. देखो इतना अच्छा लड़का है, कोई भी डेट करना चाहेगा. हाँ, मैम आप बताइए, आपका जवाब दीजिए. इसे चाहूंगी, मतलब अच्छा लड़का है. मेरे जैसा लड़का तो मैं मिले तुम खुश होगी ना, मेरे जैसा. लेकिन अभी पता नहीं ना, सिंगल है मिंगल है, पता चले कहीं चल. I'm single and ready to mingle. विश्वास ही नहीं करता मेरे पे. Nobody trusts me. सेट पे ना मैं बता रही हूँ, 12 घंटे वो इयरफोन्स लगा के लग रहा था, तो घुस घुस घुस. डेढ़ साल पुरानी बात है. हाँ, जितने भी साल. डेढ़ साल रेडी है तो चालू. अच्छा बेटा, हम तो नहीं, आप बड़े चालू. थैंक यू, थैंक यू. सो या, नेक्स्ट वुड बी द ग्लोबल आइकन. आई होप आई कैन रिसीव दैट टू समडे. समडे वी शुड नेवर स्टॉप बीइंग होपफुल. हाँ, तो व्हाट एक्साइटमेंट है कि अवार्ड मिल रहे हैं. आई थिंक दिस ईयर हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज आई वाज एक्चुअली गिवन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. कुछ ऐसे अवार्ड्स भी थे जो कभी भी नहीं मिले लाइफ में, लाइक मोस्ट फिट एंड ग्लैमरस, बिकॉज आई थॉट आई एम फार फ्रॉम बीइंग ग्लैमरस. पर वो अवार्ड्स भी मुझे इस साल में मिले. तो जितना ये साल स्लो एंड एजिटेटिंग एंड डिप्रेसिंग था इन बिट्स, उतना ही ये रिवॉर्डिंग अवार्डिंग और
टीचिंग भी था. सो आई एम जस्ट ऑल इन ऑल वेरी वेरी ग्रेटफुल ऑफ 2020 एंड ऑल द पीपल हु थिंक दैट आई एम यू नो क्रेडिबल इनफ टू गेट दीज अवार्ड्स. So thank you to all the fans who were waiting for Kundli Bhage to get back on TV. और उसके बाद फिर से वो उसने इतने अच्छे से पिकअप किया. वी वर वेरी स्केयर्ड, ऐसा लगा था पता नहीं अभी क्या होगा शो की वापस से बिगनिंग है. तो इट वॉज़ आर बेसिकली आर सेकेंड इनिंग एंड वी मैनेज टू गेट द सेम काइंड ऑफ अटेंशन. आई थिंक इट्स कमेंडेबल द fans and followers of Kundli Bhage, you are just so amazing. Thank you. मुझे लगता है कि तुम स्पेसिफिकली तुम मेरे कुछ बहुत ही ज़्यादा आर्डेंट फॉलोअर हो. यू डोंट मिस एनीथिंग दैट्स अबाउट मी ऑन द इंटरनेट. हाउ कूल इज दैट. बिकॉज ये रिश्ते अवार्ड में एक छोटा सेगमेंट है वेयर दे हैव डू नॉट टच योर नोज व्हेन यू आर आउटसाइड बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू हैव टच्ड व्हाट अदर थिंग्स यू हैव टच्ड. सो सॉरी फॉर दैट. ये रिश्ते अवार्ड में एक छोटा सेक्शन था विच वॉज डेडिकेटेड टू सुशांत एंड रेमिनिसिंग हिम एंड अंकिता वॉज होस्टिंग इट एंड परफॉर्मिंग इट एंड इट जस्ट गॉट अ लिटिल टू हैवी in that moment to take. Okay, naye saal ke liye kuch shubhkamnaen, Christmas aa raha hai, bahut sari shubhkamnaen. You know, we shouldn't forget that even though this year has been fine for us, we have survived it. There are some people who had you know, who not had a great year or not as amazing, or even there are some people who've lost their loved ones and they've had terrible tragic things in the family because of COVID or because of things related to COVID or just generally. Yeah, I mean, my heart goes out to anyone who's suffered because of it, their families and everyone related to them. And now I just want to say that 2021 is here and a lot of hope comes with the new year. And let's just get into the new year with a lot of dreams and hopes and safety as our priority. And do not be afraid. Life is full of ups and downs, and there was a slight down, now there will be up. So